हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में सुना होगा कि रसिया से हमारे देश में 2 कंटेनर आए हैं। आप सभी लोग पूछेंगे इसमें खास बात क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक देश से दूसरे देश कार्गो से आते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ खास बात है कि ये कार्गो कंटेनर अपने ट्रेडिशनल रूट से नहीं आए हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल रूट वही है जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी और स्वेज कैनाल, रेड सी से होकर गुजरता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की। दोस्तों, ये वही रास्ता है जिससे हाल ही में ये 2 कंटेनर आए हैं। दोस्तों, INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसमें सी रूट, रेल रूट और रोड नेटवर्क शामिल है। यह इंडियन ओशियन को पर्शियन गल्फ के माध्यम से ईरान से होते हुए कैस्पियन सी से जोड़ता है। दोस्तों, INSTC अपने मेंबर्स कंट्रीज को आपस में कनेक्टिविटी का सबसे शॉर्ट रूट प्रोवाइड करता है। खास बात यह है दोस्तों, यह अपने ट्रेडिशनल रूट से 30% सस्ता और 40% छोटा भी है। इस रूट से टाइम भी कम कंज्यूम होगा और एक्सपेंसेस भी कम होंगे। दोस्तों, FFAI फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड्स एसोसिएशन इन इंडिया ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने यह बात बताई थी। दोस्तों, आइए थोड़ा INSTC प्रोजेक्ट की हिस्ट्री जानते हैं। इस कॉरिडोर की नींव 12 सितंबर 2000 को रसिया, ईरान और इंडिया के बीच यूरो एशिया सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रखी गई थी और इसको कानूनी आधार प्रदान किया गया। इस समझौते को 13 देशों ने अप्रूवल दिया जिसमें 3 फाउंडिंग कंट्रीज हैं जो हैं रसिया, ईरान और इंडिया। बाकी 10 अन्य देश हैं, साथ ही एक ऑब्जर्वर कंट्री बुल्गारिया है। आप इनके नाम स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, INSTC के मेंबर कंट्रीज को जोड़ने के लिए 2 मार्ग प्रस्तावित हैं। पहला इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रसिया, जबकि दूसरा इंडिया, ईरान, कैस्पियन सी और रसिया है। दोस्तों, आप दोनों रूट्स की डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि वाई मतलब INSTC इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। तो दोस्तों, इंडिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए इस कॉरिडोर का समर्थन करता है। यूरोप जाने वाले शिपमेंट जो स्वेज कैनाल के माध्यम से यूरोप पहुंचने में 45 से 60 दिन का समय लगता है, वहीं INSTC का उपयोग करके 23 दिनों में पहुंचा जा सकता है। यह कॉरिडोर ईरान और अन्य गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे देश के आर्थिक संबंधों में सुधार लाएगा। हमारा देश रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। इंडिया चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए पहले से ही काम कर रहा है। भारत ने INSTC के ढांचे में बंदरगाह को शामिल किया करने का प्रस्ताव दिया था। पिछले साल ताशकंद में एक कनेक्टिविटी सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने चाबहार बंदरगाह को एक मेजर रीजनल हब के रूप में पेश किया था। दोस्तों, INSTC का रूट इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट JNPT मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास से, जो ईरानियन सिटी बफ्क से तैरान होते हुए ईरान के कैस्पियन सी में अंजाली पोर्ट तक पहुंचेगी। उसके बाद कैस्पियन सी पर रसिया के अस्तरखान पोर्ट पर पहुंचकर रसिया के मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ये रूट कनेक्ट होगा। दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं INSTC प्रोजेक्ट स्वेज कैनाल का एक अल्टरनेटिव रूट भी साबित होता है। साथ ही वारलाइक सिचुएशन में इंडिया और रसिया का ट्रेड कमजोर पड़ने के चांसेस कम हैं। पिछले साल हमने देखा ही था स्वेज कैनाल ब्लॉक होने की वजह से किस तरह ग्लोबल ट्रेड में कमी आई थी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा।